हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के ऑटो टेच। आज गाड़ी आई है हुंडई वरना, इसमें स्ट्रिंग हार्ट प्रॉब्लम, तो अपन खोल रहे हैं इसका स्ट्रिंग। तो ये देख सकते हैं, हम खोल रहे हैं स्ट्रिंग इसका। स्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, गाड़ी चलते चलते स्ट्रिंग हार्ड हो जाता है, गाड़ी स्ट्रिंग वाइब्रेशन भी करता है, ठीक है। तो खोलते हैं इससे स्ट्रिंग मोटर खोलने के लिए हमको ये खोलना पड़ता है, इसको नीचे करना पड़ता है, ठीक है। तो देख सकते हैं, सब स्ट्रिंग खोल दिया हमने, स्ट्रिंग खोल काल के हमने इसको कंप्लीट बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो बाहर निकालते हैं, जैसे कपलर मपलर सब खोलना पड़ता है इसमें, तो खोल लिया हमने और चलते हैं इसको दुकान पे, इसकी मोटर खोलते हैं, देखते हैं। तो देख सकते हैं मोटर खोल लिया हमने, ये जो मोटर है इसकी, ये जो मोटर रहती है इसके अंदर हुंडई वरना, ज़्यादातर हुंडई गाड़ियों में ऐसी मोटर आती है, ठीक है, i20 वगैरह इनमें एसी मोटर आती है, ठीक है। तो ये मोटर में क्या प्रॉब्लम है, इसके जो स्प्रिंग रहते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर ख़त्म हो जाता है। तो इसको खोलना पड़ेगा, ये आगे गियर खोलते हैं इसका, फिर गियर खोल के करते हैं इसको। देख सकते हैं ये पुलर लगे हैं यहाँ पे, एक गोटी की मदद से एक पुलर लगा के अपन इसे खोलते हैं, खोल के इसका स्प्रिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो खोल लिया हमने, देख सकते हैं स्ट्रिंग, इसमें स्प्रिंग लगे हुए, स्प्रिंग का जो टेम्परेचर रहता है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो स्प्रिंग को आगे नहीं धका पा रहे हैं वो, तो आगे नहीं धका पाएगा तो मोटर में क्या कार्बन नहीं लगेंगे, ठीक है, कार्बन नहीं लगेंगे, मोटर नहीं चलेगी। तो ये समस्या जो थी अपनी इस मोटर में आ रही थी, तो ये देख सकते हैं, ये इसमें निशान भी आ रहा है, ये गियर है इसका, गियर निकाल दिया हमने, ये जो निशान आ रहा है ये कार्बन नहीं लगने का निशान, ठीक है। तो करते हैं आर्मेचर को साफ़, तो ये देख सकते हैं आर्मेचर साफ़ कर लिया हमने, इसका जो आर्मेचर इसको साफ़ कर लिया, और इसके जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी हमने हार्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं चारों स्प्रिंग को अपन ने हार्ड कर लिया है खींच के, तो स्प्रिंग इसमें लगाएंगे अपन रॉकर में, ठीक है, स्प्रिंग को हार्ड कर लिया। अब क्या है कि स्प्रिंग दबाव बनने के कारण स्प्रिंग अच्छे से काम कर रहा है उसको, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये चार स्प्रिंग लगा लिए मैंने। अगर आप मेरे से यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो करते हैं इसको फिटिंग करने के लिए, अपन को देख सकते हैं ये सब कस लिया हमने वापस कसने के बाद, धीरे धीरे से कपड़ा सब लगा रहे हैं और उसके बाद फिटिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं जैसे क्लॉक स्प्रिंग है, ठीक है, हुंडई वरना जैसे क्लॉक स्प्रिंग, देख सकते हैं सीधे में बैठे गए, इस तरह बैठे गए, ठीक है। तो लगाते हैं इसे कपलर वगैरह, दो कपलर हैं इसके, क्लॉक स्प्रिंग है, ठीक है, दोनों कपलर लगाते हैं, फिटिंग करते हैं इसका स्टेयरिंग फिटिंग करते हैं इसका। तो ये स्टेयरिंग फिटिंग कर दिया अपन ने, लगाते हैं इसके स्टेयरिंग कपलर वगैरह लगाते हैं स्टेयरिंग कपलर लगा के, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे, ठीक है, चेक करके देखेंगे कि अपना स्ट्रिंग सही हुआ या नहीं, ठीक है। और देख सकते हैं करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा स्ट्रिंग सही हुआ या नहीं, देख सकते हैं गाड़ी हो गई स्टार्ट, हमारा स्ट्रिंग बिल्कुल फ्री हो चुका है, ठीक है दोस्तों, हमारा स्ट्रिंग बिल्कुल फ्री हो चुका है। अभी चॉकलेट वगैरह आ रही है इसमें, ठीक है, एयरवे वगैरह कपड़ा निकला है इसमें, एयरवे की लाइट भी आ रही है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारी गाड़ी का स्ट्रिंग बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। तो हमारी गाड़ी में यही प्रॉब्लम था जो ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।